हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे फिगर सीरीज काउंटिंग फिगर। फिगर को कैसे काउंट करते हैं उसमें पहले हम लोग आज स्क्वायर देखेंगे। स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ऑल साइड इक्वल, स्क्वायर को वर्ग बोला जाता है दोस्तों। और सेमेट्रिक, यदि फिगर बराबर हो, रो इज इक्वल टू कॉलम, ये रो इज इक्वल टू कॉलम हुआ दोस्तों। टू, ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये रो इज इक्वल टू कॉलम इसमें, तो इसमें सिर्फ हम लोग को यहाँ 1 2 1 2 लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसको सिर्फ एक ऊपर नहीं तो ये साइड का स्क्वायर कर देना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1 होता है दोस्तों, और 2 स्क्वायर 4 इक्वल टू 415 नंबर्स। और ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, 1 2 3 1 2 3, तो 1 साइड का स्क्वायर कर देना है। तो 1 साइड का स्क्वायर हो गया दोस्तों 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 2 2 4 3 3 9, 9 9 9 प्लस 4 13, 1 14 14 नंबर्स। और इसमें ये तो इजी है दोस्तों, यदि सेमेट्रिक रहा तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है, और यदि अनसेमेट्रिक रहा रो इज इक्वल टू कॉलम, इसमें रो इज इक्वल टू कॉलम था, इसमें यदि रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम यदि रहा तो इसमें इसमें क्या है, 3 रो और 4 कॉलम है, 3 रो 4 कॉलम है। तो इसमें अनसेमेट्रिक है तो डायरेक्ट हमको इसमें 3x4 है तो 3x4 लिख दिया दोस्तों। और इसमें एक डिक्रीज करते जाना है, क्या करना है, एक डिक्रीज करते जाना है। जैसे 3x4 है तो इसमें 3 के बाद क्या आता है दोस्तों, 3 से एक डिक्रीज करना है 2 2, और 4 से एक डिक्रीज करना है 3, 2 3 6, 3 4 12, और इससे भी एक डिक्रीज करते जाना है। उस ऐसे डिक्रीज करते जाना है जब तक 1 नहीं आया, इस दोनों में से जब तक किसी एक में 1 नहीं आया तब तक हमें डिक्रीज करते जाना है दोस्तों। 1 2 1 2 2, और ये 6 और ये 12 और ये 20 नंबर्स हो गया दोस्तों। इसी का एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया दोस्तों, ये 4x7 है, 4x7 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर भी 4x7 लिख दिए और एक डिक्रीज करते जाना है। एक डिक्रीज 4 में एक डिक्रीज किया 3 3 में एक डिक्रीज किया 2 2 में एक डिक्रीज किया 1, जब तक 1 नहीं आएगा इस दोनों में से कोई एक में तब तक हमें डिक्रीज करते जाना है दोस्तों। 4 7 28, 3 6 18, और ये भी इस साइड भी डिक्रीज करते जाना है, 7 6 5 4, 1 4 4, और ये टोटल किया तो 16 नंबर्स। और यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ऐसा रहा तो डायरेक्ट 5 नंबर आता है दोस्तों, प्लस साइन होगा तो डायरेक्ट सेंटर में रहता है, ये प्लस साइन हुआ फिगर में तो डायरेक्ट 5 नंबर आता है। और ऐसा यदि प्लस साइन होकर बीच में ये मिला ये ज्वाइन किया होगा, उसमें क्या करना है दोस्तों, ये तो 5 हो गया, ये हटा कर देखिएगा तो ये प्लस साइन का आता है, और इसमें ये यदि ज्वाइन कर दिया है तो ये 5 5 हो गया, ये 5 हो गया, और प्लस एक फिगर ये भी आ गया, एक फिगर ये ज्वाइन कर दिया इसीलिए एक फिगर ये भी आ गया, तो इसीलिए ये 1 हो जाता है दोस्तों। 5 1 6 6 नंबर्स, सिर्फ इसमें प्लस साइन, जैसे ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखे हैं दोस्तों, सिर्फ प्लस साइन दिया है तो ये 5 5 नंबर होगा, और यहाँ पर ये ज्वाइन कर दिया है तो इसीलिए एक स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो एक स्क्वायर बढ़ने के बाद 5 1 6 नंबर हो जाता है दोस्तों। और अब इससे थोड़ा डिफिकल्टी प्रॉब्लम देखेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। और आइए देखते हैं दोस्तों, ये फिगर नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या है, ये फिगर दिया है, सबसे पहले होल फिगर देखते हैं। तो इसमें होल फिगर में ये प्लस साइन है सेंटर में, तो प्लस साइन जब आए दोस्तों तो डायरेक्ट 5 नंबर होता है, यहाँ पर हम देख चुके हैं दोस्तों, ये बीच में प्लस साइन है तो डायरेक्ट इसका 5 नंबर आया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, होल फिगर बड़ा वाला फिगर देखते हैं सबसे पहले, ये बड़ा वाला फिगर, तो ये बड़ा वाला फिगर का ये प्लस साइन है तो इसका 5 नंबर हो गया दोस्तों, 5 नंबर्स। और इसके बाद ये छोटा वाला, इसमें भी प्लस साइन है, ये रेड
रेड कलर का, तो इसमें भी प्लस साइन है, तो इसका भी 5 नंबर हो गया दोस्तों। और उसके बाद ये ग्रीन देखते हैं, इसमें भी इसमें इसका भी 5 नंबर हो गया दोस्तों, क्योंकि इसमें भी प्लस साइन है, 5 नंबर्स। और उसके बाद ये देखते हैं दोस्तों, तो इसमें भी सबसे छोटा वाला, इसमें भी प्लस साइन है, इसका भी 5 नंबर हो गया। प्लस साइन आते ही दोस्तों 5 नंबर हो जाता है, 5 नंबर लिख दीजिएगा। और यदि ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया रहेगा, प्लस साइन रहेगा और इसमें ज्वाइन किया रहेगा, तो इसमें 6 नंबर आता है, लेकिन यहाँ पर ज्वाइन नहीं है। पहला होल फिगर देखिए, यहाँ पर पहला होल फिगर, इसमें ज्वाइन नहीं है, तो इसीलिए 5 नंबर हो गया। इसे ये भी 5 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 5, 10, 15, 20, टोटल कितना हो गया दोस्तों, 20 नंबर्स, टोटल 20 नंबर्स। और इसमें भी ये पहला होल फिगर देखते हैं, इसमें भी पहला होल फिगर में क्या है दोस्तों, होल फिगर लेते हैं तो होल फिगर में ये ऐसा दिया हुआ है, होल फिगर बड़ा वाला फिगर लेंगे तो बड़ा वाला फिगर में, बड़ा वाला फिगर ये 2 लाइन दिया है इधर से वर्टिकल, और 2 लाइन हॉरिजेंटल दिया है, बड़ा वाला फिगर देखे तो इसको ये क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 3, ये 3:3 मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है दोस्तों, तो इसीलिए इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं हम, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 प्लस 2 2 जो 4 प्लस 3 3 जो 9 हो गया दोस्तों, 9 9 प्लस 4 13 1 14, ये 14 नंबर्स ये आउटसाइड, ये 12 वाला का हो गया। और इसमें एक मिडिल में भी दिया है, तो मिडिल में भी ये तो सेम फिगर है दोस्तों, मिडिल में भी इसका मिडिल में भी ये तो सेम फिगर है, इसीलिए इसका भी 14 होगा, लेकिन क्या हो गया, ये फिगर दोनों में कॉमन आ गया, ये मिडिल का ये बीच वाला फिगर दोनों में कॉमन आ गया। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें 14 ये आउटसाइड वाला का प्लस 14 ये इनसाइड वाला का, 14 प्लस 14, और माइनस माइनस ये कॉमन आ गया एक दोनों में, क्योंकि सिर्फ हमें तो एक ही बार जोड़ना है दोस्तों, लेकिन ये तो इसमें भी आ गया, बड़ा वाला फिगर में भी और छोटा वाला फिगर में भी आ गया, काउंटिंग हो गया, तो एक माइनस कर देना है, 14 प्लस 14 28 -1 = 27 नंबर्स, ये हो गया दोस्तों। आपको कोई डाउट लगे इधर तो कमेंट करके बोल सकते हैं दोस्तों, और इससे आगे भी इससे डिफिकल्टी क्वेश्चन देखते जाएंगे दोस्तों। एक कॉमन है, कॉमन करके लिख दिए, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों ये एफ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है दोस्तों, ये होल फिगर में देखिएगा तो ये प्लस का साइन है, और ये प्लस का साइन है तो इसीलिए इसका होल लिया तो 1 2 3 4 4 है, तो 5 5 नंबर हो जाएगा दोस्तों, 5। और प्लस, और इसके अब ये देखिएगा, और ये इसका यहाँ पर एक एक स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ये दूसरा स्क्वायर हो गया दोस्तों, ये तीसरा हो गया, ये 4 हो गया, तो ये प्लस है इसीलिए 5 होल, पहला वो बड़ा वाला फिगर होल फिगर लिया तो
ये प्लस है इसीलिए पहला 5 हो गया और ये 4 हो गया, 5 प्लस 4। तो इसका ये तो हो गया आउटसाइड का टोटल 5 और ये 4 हो गया, और फिर ये इसका ये आउटसाइड बड़ा वाला इसका ये, तो इसमें 1 8 हो जाएगा। फिर एक देखिए दोस्तों, ये प्लस साइन है ये होल फिगर में, इसीलिए ये 5 हो गया। और ये अंदर का अंदर वाला देखिएगा तो दोस्तों, ये होल फिगर एक हो गया तो इसका 1 हो गया, और इसमें 4 स्क्वायर, 1 2 3 4, इसीलिए 4। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 4 9 1 10, 10 नंबर्स। और इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें एक एक्स्ट्रा आउटसाइड निकाला हुआ है, और ये रो इसमें ये कौन सा मैट्रिक्स है, 4 रो इनटू कॉलम, इसमें कितना रो है, 4 रो 5 कॉलम है ना दोस्तों। तो सिर्फ पहला ये हटा दीजिएगा दोस्तों इसको पहला, तो ये सिर्फ इतना लेना है पहला, तो इतना लीजिएगा तो कितना होगा, 4 इंटू 5 मैट्रिक्स है, तो इसको 4 5 20, और एक एक डिक्रीज करते जाना है दोस्तों। तो 4 है तो 3 हो जाएगा, और ये 5 है तो 4 हो जाएगा, 3 4 12, और ये 3 है तो 2 हो जाएगा, एक एक डिक्रीज करना है, ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा, 3 2 6, और ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये 2 हो जाएगा, 1 2 2। हमें जब तक डिक्रीज करना है दोस्तों, जब तक ये दोनों रो इनटू कॉलम किसी एक में 1 ना आ जाए, यहाँ पर 1 आ गया दोस्तों, अब छोड़ देना है और टोटल करना है दोस्तों। तो टोटल किया तो कितना होगा दोस्तों, 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2 20 40, ये 40 हो गया, और ये प्लस ये 1, ये 1 इसमें ये 1 ऐड करना है दोस्तों, प्लस 1 इज इक्वल टू 41 नंबर्स। होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर एच। इसमें पहला देखते हैं दोस्तों कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला इस क्रॉस को इलिमिनेट कर देते हैं, कितना नंबर है, 8 नंबर, 8 पहला ड्रॉ कर देते हैं, 8 लाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 8 लाइन हो गया। एक क्रॉस को पहला इलिमिनेट करते हैं दोस्तों, हटाते हैं क्रॉस, पहला नहीं लेंगे, और इसके बाद नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 1 2। ये कितना मैट्रिक्स है, ये है आपका दोस्तों 4 इज टू 2, 4 इज टू 2 मैट्रिक्स है, ये 4 इज टू 2 मैट्रिक्स है, 4 इज टू 2, इसमें 2 रो है और 4, ये आगे पीछे आप लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, इसमें साथ में आपको तो मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, इसीलिए आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस यहाँ पर तो यहाँ पर हम 4 इंटू 2 करेंगे, और उसके बाद डिक्रीज करते जाएंगे एक एक नंबर, 4 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 4 2 8 हो गया, 3 1 3 3 हो गया, 8 प्लस 3 11 हो गया, है ना दोस्तों। अब इसका इसका काम तो हो गया, अब हमको क्रॉस को देखना है, तो क्रॉस को इस क्रॉस में अब कितना स्क्वायर है वो हमको पता लगाना है दोस्तों। अब देख सकते हैं क्रॉस में कितना स्क्वायर है, तो क्रॉस में पहला ये एक स्क्वायर हो गया बड़ा वाला, ये एक हो गया,
और ये दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया। थ्री हो गया दोस्तों। प्लस थ्री कर देंगे और इसके बाद फिर हमको और पता लगाना है दोस्तों। और अब ये हो गया एक इसके अंदर का, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और एक ये भी हो गया। इसमें फोर है, इसमें फोर हो गया, और उसके बाद इसमें एक ये भी हो गया, 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 एक ये भी हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस टेन हो गया, टोटल काउंटिंग हो गया। ये हो गया दोस्तों ये क्रॉस हटाकर, और ये क्रॉस का अंदर का ये थ्री हो गया स्क्वायर, 1 2 ये थ्री हो गया, और इसके अंदर भी स्क्वायर बनता है दोस्तों, 1 2 3 4। फिर ये तो काउंटिंग हो गया, 1 2 3 1 2 3 4, 4 + 3 + 3 तो 3 3 6 + 4 10, 10 हो गया, तो 11 + 3 14 हो गया, 14 + 10 24 नंबर्स। ये हो गया दोस्तों 24 नंबर्स। होप समझ गए होंगे। अब इसमें देखेंगे दोस्तों प्रॉब्लम नंबर आई, और इसमें बॉक्स कितना है दोस्तों। पहला बॉक्स 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पर 5 रफ में बना लेते हैं, 1 2 3 ये 4 ये 5 है ना दोस्तों, 1 2 3 4 5 इससे भी इस साइड भी 5 है, 1 2 3 4 5 है, 5 है। और आप इसको नंबरिंग कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर नंबरिंग कर देना है, 1 2 3 4 5 2 3 4 5, और ये 5 × 5 मैट्रिक्स है दोस्तों, 5 × 5 मैट्रिक्स है, ये दोनों साइड इक्वल है, इसीलिए इक्वल इक्वल में क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है। आप ये वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा दोस्तों, शुरुआत से ही देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो इसका स्क्वायर करते हैं, 1 एक साइड का कोई लेकर स्क्वायर करेंगे, 1² + 2² + 3² + 4² + 5² हो गया दोस्तों। और यहाँ पर 1 4 9 16 25 है ना दोस्तों। और इसका अब टोटल करने के बाद कितना आएगा दोस्तों, 16 + 4 20 10 20 only 10 30 30 30 + 20 30 + 20 50 55
A55 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर हमको क्या ऐड करना है, अब इसके अंदर का देखते हैं दोस्तों। अब इसको हम क्या लेते थे दोस्तों, ये क्रस वाला को इसका 6 लेते थे। सिंगल फिगर, सिंगल फिगर यदि क्रस रहा तो ऐसे, सिंगल फिगर में क्रस रहा तो दोस्तों ऐसे रहा प्लस होकर, ऐसे प्लस रहता है और इधर ज्वाइन किया रहता है, तो उसका हम लोग कितना लेते हैं, 6 लेते हैं, 6 नंबर लेते हैं ऐसा फिगर का। और डायरेक्ट जो डायरेक्ट एड का साइन दिया रहता है उसमें कितना लेते हैं दोस्तों, 5 नंबर लेते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये प्लस है, प्लस का साइन है इसीलिए 5 नंबर है। और यहाँ पर डायरेक्ट ये प्लस का साइन है और ये ज्वाइन किया हुआ है तो 6 नंबर आया है ना दोस्तों, देख सकते हैं। तो 5 नंबर 6 नंबर हो गया। तो ये आप यहाँ पर देखना है हमें कि ये ऐसा साइन कितना है और ऐसा ये प्लस वाला साइन कितना है। तो 1 2 3 4 और ये कितना, ये तो 5 हो गया अंदर का। 1 2 1 2 करके 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया। ये 5 आया है तो ये प्लस वाला ये 5 हो गया और ये का अंदर का ये 6 हो गया है ना। इसमें तो अब देखेंगे दोस्तों ये कितना आएगा, ये 6 आएगा। लेकिन ये बाहर का हम लोग तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इसमें तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है बाहर का, तो इसीलिए 1 डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। तो 6 नंबर है तो 6 माइनस 1 करेंगे तो 5। ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना दोस्तों, इसमें तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ पर 55 में ये इंक्लूड हो चुका है, इसीलिए 6 माइनस 1 करेंगे 5 आया। और यहाँ पर ये कितना है, F5 है, F5 आया है। और यहाँ भी ये आउटसाइड का ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं इसमें, इसीलिए 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा। तो ये आप ये साइन वाला कितना है वो हम देखेंगे और ये साइन वाला कितना है वो देखेंगे। तो ये साइन वाला 1 2 3 4 5 5 है, तो इसका कितना लेना है दोस्तों, सिर्फ 5 लेना है। तो 5 5 से 25, क्योंकि एक ऑलरेडी हम इसमें ले चुके हैं, इसमें इस बॉक्स का तो ऑलरेडी हो चुका है ना, सिर्फ इनर फाइंड करना है ना दोस्तों, इसलिए 5 लिए हैं। और इसका ये 4 होता है, ये 4 लेंगे और 5 5 होगा, लेकिन ये आउटर का तो ऑलरेडी हम इसमें ले चुके हैं, इंक्लूड कर चुके हैं, इसीलिए सिर्फ 4 लेंगे, 5 माइनस 1 4। तो ये 4 वाला कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 4 4 16 प्लस 16 करेंगे, अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 55 60 70 80 90 96 नंबर्स हो जाएगा दोस्तों, 96 नंबर हो जाएगा। और जे नंबर देखते हैं दोस्तों, जे नंबर में यहाँ पर क्या है दोस्तों, पहला ऐसा फिगर है और उसमें पहला आउटर फिगर देखते हैं, उसमें क्रॉस साइन है, प्लस है, और इसमें ये ज्वाइन किया है, तो इसका हम लोग कितना लेते थे दोस्तों, इसका हम लोग लेते थे 6 नंबर्स। ये 4 है, 4 रो कॉलम हो गया और इसमें ये ज्वाइन किया है तो एक ये हो गया, तो ये 4 रो कॉलम का यहाँ पर इसका 5 आता है दोस्तों, इसका ये 5 आता है, ये प्लस साइन वाला का, और इसमें ये प्लस में एक क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है यहाँ पर, तो ये एक स्क्वायर इसमें एक्स्ट्रा आता है, तो 5 1 6 नंबर हो जाता है दोस्तों, 6 नंबर है, इसमें भी 6 नंबर आया। ये आउटर फिगर देखे तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये
सिक्स नंबर है, इसका सिक्स नंबर हो गया। और फिर ये तो हो गया, और ये फिर देखेंगे तो इसका भी कितना आ गया दोस्तों, इसका भी सिक्स नंबर आ गया। हो गया दोस्तों, इसका भी सिक्स नंबर हो गया, ये क्रॉस हो गया ये वाला, और ये अंदर वाला का, इसका कितना लेते हैं दोस्तों, इसका फाइव लेते हैं, प्लस वाला, सिर्फ प्लस वाला का ऐसा रहता है। वन टू वन वन टू, तो ये तो फाइव होता है डायरेक्ट। आगे हमने सिखाया दोस्तों कैसे फाइव नंबर आता है करके, तो ये ऐड कर देना है दोस्तों। अब कितना हो गया, सिक्स प्लस सिक्स प्लस फाइव, सिक्स प्लस फाइव, सिक्स सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फाइव सेवेंटीन नंबर्स, ये हो गया दोस्तों। प्रॉब्लम नंबर के में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए प्लस साइन है, ऐसा फिगर दिया हुआ है, फिगर ऐसा दिया हुआ है दोस्तों, ये प्लस साइन हुआ, ये आउटर, पहला ये आउटर देखेंगे, आउटर, आउटर में प्लस है तो ये फाइव नंबर हो जाएगा। अब इसके इनर फिगर देखेंगे, इनर में भी प्लस है, प्लस प्लस साइन है तो इसका भी फाइव नंबर हो जाएगा, फाइव नंबर हो जाएगा दोस्तों। और अब इसका ये, आप इसका ये देखते हैं, ये दोनों इनर का तो हो गया, आउटर इनर दोनों हो गया, अब बाकी रह गया दोस्तों ये और ये, ये बाकी रह गया और एक ये बाकी रह गया। तो कितना हो गया दोस्तों, ये फाइव हो गया, ये आउटर फाइव, बाहर का फाइव हो गया, और ये इनर का फाइव है, फाइव प्लस फाइव हो गया दोस्तों, और ये एक और ये एक, ये दो हो गया, ट्वेल्व नंबर्स। और ईएल नंबर पे भी देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये और ये सेम है, सिर्फ फर्क कितना है कि इधर इसका स्क्वायर इधर दे दिया है और एक इधर दे दिया है, तो ये एक आउटर का देखेंगे तो इसमें भी कितना हो जाएगा दोस्तों, फाइव हो जाएगा, फाइव नंबर्स इसमें भी हो जाएगा। और इनर का देखेंगे तो इसमें भी फाइव नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि एडिशन का साइन है बीच में, और ये वन नंबर हो जाएगा, एक स्क्वायर, और ये एक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों, फाइव प्लस वन प्लस वन, ये भी कितना हो गया, ट्वेल्व नंबर्स हो गया। सिंपल है दोस्तों, स्क्वायर हम लोग बहुत इतना सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, फिगर ऐसा दिया हुआ है, और इसमें देखिए ये एक फिगर है, और ये दूसरा है, और ये ऐसा है दोस्तों। अब इसमें हमें पता करना है कितना स्क्वायर है, तो पहला पहले ही देख चुके हैं दोस्तों, ऐसा प्लस साइन रहेगा
तो उसमें कितना रहता है दोस्तों, फाइव नंबर्स रहता है। तो ये शुरू में ये फर्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, इसका फाइव हो गया और इसमें कितना है, इसका फाइव हो गया, होल का फाइव और एक तो इधर ऊपर से ऊपर में ही चला गया है, तो बाकी बचा ये 1 2 3, इतना देखना है, फोर वाला स्क्वायर देखना है। तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, एक तो ऊपर चला गया है तो 5 माइनस 1 फोर नंबर्स हो जाएगा ये। इसका भी एक ऊपर काउंटिंग हो चुका है, 1 2 3 बाकी बचा है दोस्तों, इसका भी कितना हो जाएगा, फोर नंबर्स हो जाएगा दोस्तों। और इसका भी एक काउंटिंग तो हो चुका है दोस्तों, इतना ये एक हो गया है और ये तो काउंटिंग हो चुका है, ऐसा है स्क्वायर, ये भी काउंटिंग हो चुका है, सिर्फ इतना है, तीन है। तो ये प्लस में प्लस रहा तो 5 होता है बीच में स्क्वायर का, तो एक घटा दिया तो 4 हो गया, इसमें ये काउंटिंग हो गया है, ये टोटल रहता तो 5 रहता और एक घटा दिया तो 4 हो गया, क्योंकि एक काउंटिंग ऑलरेडी हो चुका है, 4 हो गया। इसमें भी टोटल 5 रहेगा क्योंकि प्लस साइन है और एक तो ऊपर काउंटिंग हो गया है, इसलिए ये 4 नंबर रहेगा। अब ये टोटल काउंटिंग करने के बाद कितना आता है दोस्तों, 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया दोस्तों, 4 4 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 5 17 17 नंबर्स, इतना है दोस्तों। ये देख सकते दोस्तों 6 रहा है, 3 कॉलम है, ये 6 × 3 मैट्रिक्स है और इसको स्क्वायर है, अनसिमेट्रिक है, इसीलिए इसको 6 × 3 और एक एक डिक्रीज करते जाना है दोस्तों, 5 × 3 में एक डिक्रीज किया तो 2, 4 × 2 में एक डिक्रीज किया तो 1, मल्टीप्लाई करिए, 6 3 18, 5 2 10, 4 1 4, टोटल कितना हो गया दोस्तों, 18 10 28 28 4 32 32 32 नंबर्स। ये एक मेथड है, ये ऐसा मेथड से भी कर सकते हैं और एक दूसरा मेथड भी है दोस्तों, वो लास्ट में आपको हम सिखा दे रहे हैं, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगे, एनादर मेथड में देखिए दोस्तों, सेम यही प्रॉब्लम हम देखेंगे, सेम प्रॉब्लम एनादर मेथड में आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये थ्री 6 × 3 मैट्रिक्स है, वह 3 × 6 कुछ भी बोल सकते हैं आप दोस्तों, इसमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, पहला आप 6 ले वह 3 ले वह 3 ले वह 3 × 6 करें, उससे मतलब नहीं है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे छोटा वाला नंबर लेना है, उसका सबसे छोटा वाला नंबर लेना है, छोटा साइड लेना है, तो इसका छोटा साइड 1 2 3 है, तो इसको करेंगे हम 1² + 2² + 3² करेंगे, प्लस फिर कोस्ट ब्रैकेट में इसका बिना स्क्वायर लिखना है दोस्तों, 1 + 2 + 3 लिखना है और फिर मल्टीप्लाई और फिर कोस्ट ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे दोस्तों, 6 ये 6 है माइनस 3 मैट्रिक्स का डिफरेंस, और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 1 2 2 4 3 3 9 प्लस 2 1 3 3 6 × 6 − 3 किया तो कितना आया दोस्तों, 3 1 + 4 + 9 + 6 = 18
नाइन वन टेन, टेन प्लस फोर फोर्टीन, फोर्टीन प्लस एटीन, फोर्टीन प्लस एटीन कितना हुआ 32 नंबर्स। ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, और ऐसा भी कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे ऐसा मेथड कर सकते हैं दोस्तों। पहला स्क्वायर करना है, फिर विदाउट स्क्वायर लिखना है। पहला सबसे इसमें लिस्ट मैट्रिक्स नंबर लेना है, इसमें थ्री है तो थ्री का वन वन टू थ्री, वन वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर वन टू थ्री इंटू सिक्स माइनस थ्री करेंगे दोस्तों। सिक्स माइनस थ्री किया तो थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, वन सिक्स सिक्स, थ्री थ्री जै नाइन, टू टू जै फोर वन, ये कितना आ गया दोस्तों 32, 32 नंबर्स। हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप अच्छा से देखिएगा, आप दूसरा वीडियो देखने का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सब प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं स्क्वायर का। अब दूसरा पार्ट में रेक्टेंगुलर देखेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसका हर एक पार्ट लाएंगे और आगे भी वीडियो बनाते जाएंगे दोस्तों।